इस साधु संत जो हमारे गुरु रविदास जी मंदिरों पर अपना सारा प्रबंधन देखते हैं, जो कमेटी के हेड थे वो सभी लोग कल आए हुए थे, और आप सबके बिहार पर आपके संगठन की तरफ से कल हमने वहां पर एक आर्थिक सहयोग 50,000 रुपए का इस मंदिर को बचाने का सहयोग समर्थन है। इसके लिए हमने जो कल निर्णय लिया 50,000 रुपए देने का, आपका आपका समर्थन सब लोगों का, हाथ उठाने में मुझे समर्थन कैसे लगेगा, धन्यवाद। तो कल आपके संगठन की तरफ से इस आंदोलन के लिए जो मुक्ति आंदोलन हो रहा है, और कल ये तय किया गया है कि मंदिर 600 साल से वहां था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करोलबाग के गोल चक्कर पे जो भगवान जो हमारे हनुमान जी की स्टेचू है उसको हटाया जाए। वो स्टेचू तो हटी नहीं, पर आपकी मेट्रो को टर्न दे दिया गया, ये बात सही है। उसके बाद में अभी ही आपने देखा केरल के अंदर एक महिला है उस मंदिर के अंदर, कौन सी माला थी वो, शबरीमाला। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर करने के बाद भी वहां पर एंट्री महिलाओं को नहीं दी गई, ये बात सही है। तीसरा ये है कि अगर कनॉट प्लेस को देखते हम लोग तो कनॉट प्लेस के चारों तरफ धार्मिक स्थल रास्तों के बीच में आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कि रास्ते क्लियर करो, इनको हटाओ। हमारी 600 साल पुरानी जो धरोहर थी गुरु रविदास जी के, जो हमारा मंदिर था, उस मंदिर को तालाब था, वो कोई जगह किसी ऐसी नहीं थी कोई, और उस समय डीडीए बना भी नहीं था, जब 600 साल पहले डीडीए भी नहीं था। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़ी ईमानदारी दिखाते हुए क्या कहा कि ये जगह डीडीए को हैंडओवर की जाए, कम से कम 5,000 पुलिस फोर्स लगा करके उसको जबरन डीडीए को हैंडओवर कर दिया गया है। पिछले दिनों हरदेवपुरी जो मिनिस्टर हैं इसके अर्बन डेवलपमेंट के, उनके साथ जो 2-3 राउंड में बात हुई है, हमारे शुरू का शुरू टाइप्स के जो बीजेपी नेता हैं उनके साथ बात हुई है, मैं उसमें शामिल नहीं था इसलिए मैं उसका आयुक्त नहीं हूँ, क्योंकि कैमरे चल रहे हैं तो मेरी आवाज रिकॉर्ड भी हो रही है, मैं इसलिए जो बोलूं। मुझे जो बताया गया है, मिस्टर राजेश भक्का एससी कमीशन चेयरमैन पंजाब ने बताया कि हरदेवपुरी के साथ बात हुई है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के साथ, और उसमें विजय सापला जो पहले मंत्री थे और जो इस समय मंत्री हैं वहां पंजाब से हमारे समाज के, और जो सारे एससी समाज के मिनिस्टर से उनकी मीटिंग हरदेवपुरी साहब के साथ हुई है, और उन्होंने कहा कि हम इस स्थान को बदल करके इतनी जमीन आपको अलग देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मामला जमीन का नहीं है, ये मामला तो आस्था का है, क्योंकि जहां पर संत गुरु रविदास रुके थे वहीं पर वो मंदिर रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता। इस विषय में सरकार ने कहा कि हम इसको नए सिरे से देख रहे हैं, और 21 तारीख से पहले जो डेमोस्ट्रेशन जो प्रदर्शन है, लाखों लोग दिल्ली की धरती पर आ रहे हैं, 21 तारीख को आपको छुट्टी देनी है, अंबेडकर भवन पर आपको इकट्ठे होना है। आओगे क्या? कितने आओगे? सारे आओगे। कितने जो नहीं आओगे, एक भी हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन सारे आना, समझे नहीं बात। 21 तारीख को आपको 10 बजे अंबेडकर भवन पहुंचना है, वहां से मार्च होगा जंतर मंतर के लिए, मैं आपको लीड करूंगा, लाखों लोग वहां पर रहेंगे, और अपने सरकार ने तो कहा कि 21 से पहले हम इसका फैसला कर देंगे। अगर 21 से पहले फैसला होता है तो इससे सुंदर तो कोई बात होगी ही नहीं। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मंदिर का पूरा निर्माण में जो भी चाहे 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ लगे, तो वो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम लगे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये पैसा हम लगाएंगे, हमारी सरकार लगाएगी, मेरी बात। ये तो खैर ऐसा अच्छी बात है कि पहल हो रही है, बढ़िया बात है, लेकिन इसके साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है, जिस तरह के वाल्मीकि न्यास अमृतसर में तैयार हुआ और उसका सारा खर्चा केंद्र सरकार ने दिया, और वहां जो एक समिति बनाई गई वो समिति उसका रखरखाव करती है, उसका खर्चा भी हर महीने बताते हैं कि 2 लाख 1.5 लाख तो उसका बिजली का बिल आता है, तो ऐसा भी सरकार की तरफ से प्रस्ताव है कि शायद उसको एक न्यास में तब्दील करके और वहां पर उसका जो सारा का सारा खर्चा केंद्र सरकार। देखना यह है कि आगे आने वाले समय में होगा क्या, लेकिन आप अपने संघर्ष के लिए तैयार रहिए। बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, सब सोचती है सब ठीक चल रहा है। जब तक आप अपनी आवाज को उठाओगे नहीं, बात को पहुंचाओगे नहीं, तब तक अगर पंजाब के लोगों ने पंजाब बंद ना किया होता, नहीं बात समझ आप लोग नहीं, अगर पंजाब के लोगों ने पंजाब बंद ना किया होता तो शायद इस सरकार पर ये जो हम बात कर रहे हैं ये बात भी सामने नहीं आती। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।